हेलो देयर, नमस्ते, आई एम बैक विद अनदर जैम विद जेमी सेशन। और आज की जो कहानी है, ये कहानी मेरे बहुत ही करीब है। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है हमारे जीवन के लिए। कुछ समय पहले की बात है, एक शहर में एक व्यक्ति रहते थे और चलिए हम उनको नाम दे देते हैं चाचा। और उनकी गिनती शहर के धनवान लोगों में होती थी, उनके और उनके परिवार की। किंतु उनका जो मन था वो भक्ति भाव में ज्यादा दिखता था। शादी हो चुकी थी, उनकी बीवी उनसे काफी परेशान थी कि वो बिजनेस पे कम और भक्ति पे ज्यादा ध्यान देते। लेकिन हमारे जो चाचा थे वो मस्त मौला जिंदगी जी जा रहे थे। अब क्या हुआ, कुछ समय पश्चात परिवार में बंटवारा हो गया और उनके हिस्से में आया सिर्फ एक घर। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बोला भगवान की जैसी इच्छा, और उसी में अपना गुजर बसर करने लग गए। उनकी बीवी उनसे काफी परेशान थी कि आपने क्यों नहीं कहा कि मुझे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यही भगवान की इच्छा है। और ऐसा करते करते जीवन बीतता गया, बच्चे बड़े हुए और उनके भतीजे की शादी तय हुई। अब वो शहर के धनवान व्यक्तियों में से एक थे तो सबको बड़ा चाव शहर में, हाँ वही शादी है। अब चाचा जी रोज ये सोचते कि आज न्योता आएगा, आज निमंत्रण आएगा मेरे भतीजे की शादी का। एक महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ। शादी में सिर्फ 15 दिन रह गए, कोई न्योता नहीं आया। एक हफ्ता रह गया, कोई न्योता नहीं आया। 3 दिन रह गए शादी के लिए, कुछ नहीं आया। कल शादी है, कोई न्योता, कोई निमंत्रण नहीं आया। चाचा जी बड़े हैरान परेशान सोच रहे थे, अब क्या करूं क्या करूं, ऐसा कैसे हो गया कि मुझे न्योता नहीं आया। और आखिर में वो दिन भी आ गया जिस दिन शादी थी, कोई न्योता नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई इनविटेशन नहीं। अब चाचा जी सोच रहे हैं अपने आंगन में बैठे उदास, ऐसा क्या है कि जो मुझे नहीं बुलाया। लेकिन उसी क्षण उनके मन में एक विचार आया और तुरंत उन्होंने अपने पूरे घर को सजा डाला। अब उनकी बीवी उनके बच्चे बड़े हैरान हुए, ऐसा क्या हो गया, अभी तो मेरे इन्विटेशन नहीं आया, न्योता नहीं आया, निमंत्रण नहीं आया। तो चाचा जी बोलते हैं मेरी खुशी किसी निमंत्रण या किसी न्योते की मोहताज नहीं है। अब अगर आप देखें ये जो बात चाचा जी ने कही, ये बहुत ही गहरी बात है। हम ज्यादातर जिंदगी में हमारी जो खुशी है उसका रिमोट कंट्रोल सामने वाले को दे देते हैं। अगर ऐसा होगा तो मैं खुश होऊंगा, अगर वैसा होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन अगर आप सोचे Happiness is insider's job. It's an inside job. You cannot feel happy till the time you want to feel happy. You cannot feel sad till the time you want to feel sad. जब तक आप खुश रहना नहीं चाहेंगे, आप खुशी महसूस नहीं करेंगे। अगर आप उदास रहना चाहेंगे तभी आप उदास रह पाएंगे। कहने को लिए तो दो शब्द हैं, दो सेंटेंस हैं, लेकिन इनको अगर आप अमल करें तो आप देखेंगे happiness becomes a choice. और यही मैं कहता हूं हमेशा सबसे, आप अभी इसी वक्त खुश हो सकते हैं। यू कैन बी हैप्पी राइट नाउ वेयर एवर यू आर। ऑल यू हैव टू डू इज मेक अ चॉइस। ऑल यू हैव टू डू इज डिसाइड दैट योर हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इट इज इंट्रिंसिक टू यू, दिस इज इनसाइडर्स जॉब। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। नमस्ते।